नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 5 जनवरी को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस दूसरे T20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे T20 मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर इस दूसरे T20 मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, कौन से बड़े बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दूसरे T20 मुकाबले में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर इस दूसरे T20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे T20 मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो IPL 2022 के टोटल 13 मैचेस यहां पर खेले गए थे, जिसमें से 10 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे और सिर्फ 3 मैचेस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 171 रन्स का था, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 145 रन्स का रहा था। तो दोस्तों, आप इन रीसेंट T20 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है, हाल फिलहाल में उस टीम को ही काफी ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसलिए फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने इतने ज्यादा मैचेस जीते हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, यहां पर ब्लैक सॉइल की पिच यूज होती है, जहां पर शुरुआत में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा आसान रहता है। फर्स्ट इनिंग्स में गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है वो 170 के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे मैच इस पिच पर होता जाता है तो ये पिच स्लो होती चली जाती है, जिसकी वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है और स्कोर चेस करना इस मैदान पर मुश्किल साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, MCS स्टेडियम पर ड्यू भी बहुत ज्यादा नहीं आती है सेकेंड इनिंग्स में, जिस वजह से जो गेंदबाज हैं वो दूसरी पारी में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और दूसरे T20 मुकाबले के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है, वहां पर भी यही बताया जा रहा है कि आपको फ्रेश पिच इस्तेमाल होते हुए नजर आएगी, जो कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग के लिए काफी ज्यादा शानदार रहेगी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ये पिच थोड़ा सा स्लो हो सकती है, जिससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस दूसरे T20 मुकाबले में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास या फिर इसके ऊपर का स्कोर बना देगी तो उसके मैच जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 से 160 के बीच रहेगा तो वो स्कोर यहां पर चेज भी हो सकता है। अगर हम IPL 2022 की बात कर लें तो लास्ट 7 मैचेस जो यहां पर खेले गए हैं IPL 2022 के, वो सभी मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जिसमें से 3 मुकाबले में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 से 180 के बीच देखने को मिला था, जबकि एक मुकाबले में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के ऊपर भी बना था। तो आप देख सकते हो कि पहली पारी में बैटिंग करना इस मैदान पर काफी ज्यादा आसान साबित होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के IPL 2022 के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल यहां पर बना है वो राजस्थान रॉयल्स का है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 210 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का है गुजरात टाइटंस के खिलाफ 82 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो गुजरात टाइटंस ने किया है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 170 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो राजस्थान रॉयल्स ने किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि दूसरे T20 मैच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 21 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 2 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 1 विकेट मिला है और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए हैं।
तो आप इन ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिली है। हालांकि फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स के मुकाबले थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं, क्योंकि जो शुरुआती ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, वहां पर तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर काफी ज्यादा मूवमेंट मिलती है, जबकि पिच से उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है जब तक गेंद नहीं रहती है, जिस वजह से वो इन पावर प्ले ओवर्स में काफी ज्यादा विकेट्स आपको चटकाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच इस पिच पर होता जाता है तो ये पिच स्लो हो जाती है, जिस वजह से जो मिडिल ओवर्स हैं वहां पे आपको स्पिनर्स भी इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस मैच में क्योंकि फ्रेश पिच इस्तेमाल होगी तो हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग्स में आपको स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर ना आए, लेकिन सेकेंड इनिंग्स के जो मिडिल ओवर्स होंगे उसमें आपको राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स हो या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो, सभी तरीकों के स्पिनर्स इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आ सकते हैं और उनको पिच से टर्न और ग्रिप देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स आने तक ये पिच काफी हद तक स्लो हो सकती है, तो स्लोनेस का इस्तेमाल स्पिनर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मुकाबले में आपको तेज गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो इंडियन टीम ने पहले T20 मुकाबले में 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज करी थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये उस विनिंग कॉम्बिनेशन में ज्यादा बदलाव करेंगे। हालांकि पहले T20 मुकाबले में हर्षल पटेल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए थे, तो अगर अर्शदीप सिंह दूसरे T20 मुकाबले के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो वो उनको प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको प्लेइंग 11 में और कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा, और इंडियन टीम उसी अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकती है, जहां पर आपको एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ईशान किशन जो कि विकेट कीपर है, उनके साथ शुभमन गिल, नंबर 3 पर आ सकते हैं सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर कैप्टन हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दीपक हुड्डा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल या फिर अर्शदीप सिंह में से कोई एक खेलेगा, नंबर 9 पर शिवम मावी, नंबर 10 पर उमरान मलिक और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मैच के लिए श्रीलंका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो श्रीलंका की टीम ने पहले T20 मुकाबले में इंडिया को कड़ी टक्कर दी थी, जहां पर मात्र 2 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी शानदार परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की टीम भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगी। हालांकि पहले T20 मैच में कसुन रजीता काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन कसुन रजीता ने 7 साल पहले MCS स्टेडियम पर काफी इंप्रेसिव डेब्यू किया था, तो उस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में भी उनके साथ परसिस्ट कर सकती है, या फिर आपको उनकी जगह पर प्रमोद मधुसूदन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको ज्यादा चेंजेस श्रीलंका की भी प्लेइंग 11 में नजर नहीं आने वाले हैं, तो जो इनकी प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे पतुम निसंका के साथ विकेट कीपर कुशल मेंडिस, नंबर 3 पर आएंगे धनंजय डे सिल्वा, नंबर 4 पर चरित असलंका, नंबर 5 पर भनुका राजापक्षा, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन शानका, नंबर 7 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर चमिका करुणारत्ने, नंबर 9 पर महेश दीक्षाना, नंबर 10 पर कसुम रजीता या फिर प्रमोद मधुसूदन में से कोई एक खेलेगा, और नंबर 11 पर दिलशान मधुशंका आ सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें, तो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में इंडिया और श्रीलंका का आमना सामना टोटल 27 मैचेस में हुआ है, जहां पर इंडियन टीम ने 18 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम ने 8 मैचेस जीते हैं, और एक मुकाबला बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इंडिया का पलड़ा कितना ज्यादा भारी है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, वहां पर भी इंडियन टीम ने डोमिनेट किया है। इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की। तो इंडियन टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और 1 मैच टाई हुआ था। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले हारे हैं और सिर्फ 1 मैच में जीत दर्ज करी थी। तो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से जो इंडियन टीम है वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें वेन्यू परफॉर्मेंस की, तो इंडिया ने इस मैदान पर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले
खेले हैं जिसमें इनका विनिंग परसेंटेज 66 है, जबकि श्रीलंका ने दो मैचेस खेले हैं और विनिंग परसेंटेज 50 है। एवरेज स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 153, जबकि श्रीलंका का 114 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 201, जबकि श्रीलंका का 123 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में श्रीलंका बेहतर है 105, जबकि इंडिया का 101 है। तो अगर आप वेन्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों टीमों को कंपेयर करोगे तो इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी नजर आ रही है। श्रीलंका ने दो मुकाबले खेले हैं, एक मैच जीता है, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ इंडिया ने तीन मैचेस खेले हैं, उसमें से दो मैचेस जीते हैं, एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा इस मैदान पर इंडिया का भारी नजर आ रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो इंडियन टीम की तरफ से आप सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 378 रन बनाए हैं 54 के एवरेज और 186 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप हार्दिक पांड्या को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 200 रन बनाए हैं 28 के एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों इंडियन टीम की तरफ से आप ईशान किशन को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। श्रीलंका की तरफ से आप कुसल मेंडिस के साथ जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 251 रन्स बनाए हैं 28 के एवरेज और 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप पतुम निसंका को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 223 रन्स बनाए हैं 25 के एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 14 विकेट्स लिए, 8.22 की इकॉनमी और 11.57 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर अर्शदीप सिंह ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर राइट आर्म फास्ट बॉलर उमरान मलिक को फैंटेसी 11 में रख सकते हो। हार्दिक पांड्या को हम बल्लेबाजों में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इनकी जगह पर आप बॉलर्स में राइट आर्म फास्ट बॉलर शिवम मावी के साथ जा सकते हो, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में कमाल की गेंदबाजी करी थी और 4 विकेट्स निकाले थे। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से आप राइट आर्म लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 19 विकेट्स लिए, 6.36 की इकॉनमी और 12.31 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर महेश दीक्षाना के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 11 विकेट्स लिए, 6.71 की इकॉनमी और 20.81 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दिलशान मधुशंका को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने अभी तक इंडिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करिए। अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो ओवरऑल रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को देखते हुए इंडियन टीम का पलड़ा एक बार फिर से काफी भारी नजर आ रहा है, लेकिन जैसा कि पहले T20 मुकाबले में भी हमें देखने को मिला था कि मैच बहुत ही ज्यादा क्लोज हुआ था, श्रीलंकन टीम ने काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी और इंडियन टीम बड़ी मुश्किल से वो मुकाबला जीत पाई थी। तो एक बार फिर से आप एक क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोनों टीमों के बीच आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन इस मुकाबले में मैं इंडियन टीम के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस मैच में आपको टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से काफी ज्यादा रन्स देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों रीसेंट फॉर्म को देखते हुए और विनिंग मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन टीम के पास इस मुकाबले में भी थोड़ा सा ज्यादा एज है, इसलिए इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और दूसरे T20 मुकाबले में क्या श्रीलंका की टीम जीतकर इस सीरीज में वापसी करेगी या फिर इंडियन टीम ये मुकाबला जीतकर इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।